अगर आपको अंडे से एलर्जी है तो इस रेमेडी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कीड़ा काट रहा है, तो आपने ये रेमेडी ट्राई कर ली है, तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो वही करना होता ना जिस चीज़ से हमें रोका जाता है। मिसाल के तौर पे जहाँ लिखा हो यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, तो हम वहीं कूड़ा फेंकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जहाँ जहाँ मेरी ये वीडियो देखी जा रही है सबका मैं करती हूँ वेलकम टू माय चैनल, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासो ब्यूटी कॉर्नर एंड व्लॉग्स। तो बताइएगा फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज की जो रेमेडी मैंने आपके लिए क्रिएट की है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा आपके पिंपल्स का इलाज, इसके अलावा फाइन लाइंस का इलाज, और अगर आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा पफीज हो चुकी हैं मोबाइल यूज़ करने की वजह से या किसी और वजह से, और अगर आप प्री मेच्योर रिंकल्स का शिकार हैं तो वो भी डेफिनेटली इस वीडियो में आपके ख़त्म होने वाले हैं। बस आपने ये करना है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन है इस रेमेडी में। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है कॉफ़ी, और इसकी प्राइस है 35। पहले ये 20 रुपीज़ की थी, अब ये हो चुकी है 35 रुपीज़ की, तो ये भी आपकी रेंज में ही आ जाती है। और इसके सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेनिफिट्स। सबसे पहला इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। नंबर टू, ये जो हमारी आईज़ के नीचे पफ़ीनेस हो जाती है, मतलब हमारी आईज़ जो है वो पफ़ी पफ़ी सी हो जाती हैं, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में कह लें कि थोड़ी सी फूल सी जाती हैं, उसको ठीक करती है, क्योंकि हम इसको फेस पे लगाएंगे ना। नंबर थ्री, ये एक्सफोलिएट्स है, यानी कि जो हमारी डेड स्किन है उसको ठीक करती है। अक्सर रिसर्च में आया है कि कॉफ़ी का अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करें तो यह हमें स्किन के कैंसर से भी महफूज रखती है। कॉफ़ी जो है हमारी स्किन को स्मूथ और ब्राइट करती है। इसके अलावा ये हमारी स्किन को टाइट करती है, मतलब जब हम इसका मास्क अपने फेस पे लगाते हैं तो ये स्किन टाइटनिंग मास्क होता है। और सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है, ये हमारे एक्नीज को ख़त्म करती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है एग, और एग के फ़ायदे के बारे में तो आप सब ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अंडा हमारी स्किन के टेक्सचर को, जो कि ऑयली या ड्राई होती है, उसको इम्प्रूव करता है। एग की जो योक होती है, यानी कि जो जर्दी होती है, वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, क्योंकि इसमें जो एक विटामिन पाया जाता है एल्ब्यूमिन, वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है वो मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा भी अंडे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारी स्किन को टाइट करता है और हमारी स्किन पे वाइटनिंग ग्लो लेके आता है, ब्ला 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 ब्ला। अब आपने ये करना है कि एक अंडा लेके उसमें जो है 1 टेबल स्पून कॉफ़ी को ऐड करना है और इसका मिक्सचर बना लेना है। तो इसका मिक्सचर बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका मिक्सचर तैयार हुआ है। इसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको ये वॉश करके भी दिखाऊंगी। इसको आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए अप्लाई करना है। ये मास्क यहाँ पे ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको कर लेती हूँ वॉश। जैसे ही आप अपना फेस वॉश करेंगे, आप देखेंगे आपकी स्किन पे एक बहुत ही अच्छा ग्लो आ चुका होगा। मेरी स्किन पे तो बहुत ही अच्छा सा ये एक ग्लो आ चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्किन वाइट है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मेरी स्किन बहुत क्लियर है, कोई इसमें एक्नीस वगैरह नहीं है। तो आपने गाइस मुझे बताना है मेरी आज की ये रेमेडी आपको कैसी लगी है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक ठोको, और इतना ठोको कि लाइक वाला बटन ही तोड़ दो।
इसके अलावा जो न्यू है वो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और दिल माने या ना माने वीडियो को आपने करना है शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आऊंगी आपके लिए एक नई रेमेडी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।